तो सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं इन द पॉलिटिकल थिकेट इस थिकेट शब्द का मतलब होता है झुरमुट जैसे झाड़ियाँ होती हैं पेड़ होते हैं वे मान लो एक साथ ही बहुत ज़्यादा मात्रा में उग रहे हो तो उस झुरमुट को बोलते हैं हम थिकेट एक और मतलब होता है थिकेट का दूसरा मतलब इसका और वही दूसरा मतलब यहाँ पर हम यूज करेंगे दूसरा मतलब होता है थिकेट का जैसे हम कहें विभिन्न सारे इवेंट्स के बारे में तो कई सारे ऐसे इवेंट्स जो कि एक साथ घटित हो रहे हों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न उनके चलते क्रिएट हो रहा हो तो उसके लिए भी हम थिकेट शब्द का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर पॉलिथिक पॉलिटिकल थिकेट से मतलब हो जाएगा कि एक राजनीतिक घमासान हमें देखने को मिल रहा है कई तरह की राजनीतिक घटनाएं देखने को मिल रही है एक साथ और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न देखने को मिल रहा है तो यहाँ हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की है इलेक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ द महाराष्ट्र असेंबली कि महाराष्ट्र विधानसभा में जो स्पीकर का चुनाव है इसने खुलासा किया रिवील का मतलब होता है खुलासा करना किस चीज़ का गवर्नर्स पार्टीशन रोल पार्टीशन का मतलब होता है पक्षपात पूर्ण यानी कि महाराष्ट्र असेंबली में स्पीकर के चुनाव ने राज्यपाल के पक्षपातपूर्ण रोल का खुलासा किया यानी कि हमें ये देखने को मिला ये जो स्पीकर के चुनाव हुए महाराष्ट्र असेंबली में इसमें गवर्नर की जो भूमिका थी वो पक्षपातपूर्ण हमें देखने को मिली द ऑफिस ऑफ of द स्पीकर इन द महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर का जो पद है महाराष्ट्र असेंबली में वाज वैकेंट खाली था कब से फॉर नीयरली सेवेंटीन मंथ्स यानी कि पिछले सत्रह महीनों से महाराष्ट्र असेंबली में स्पीकर का पद जो है वो खाली बना हुआ था बट इट वॉज फील्ड अप बाय एन इलेक्शन लेकिन ये स्पीकर का पद जो है भरा गया चुनाव के द्वारा और ये चुनाव जो है आयोजित हुए होल्ड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है हेल्ड आयोजित होना Within टू डेज ऑफ अ न्यू regime, रेजीम का मतलब है यहाँ पे व्यवस्था शासन कि भई नई शासन व्यवस्था के आने के दो दिनों के भीतर भीतर स्पीकर का जो खाली पद था इसे भरा गया टेकिंग ओवर टेक ओवर का मतलब होता है ग्रहण करना है ना संभालना तो जैसे ही नई सरकार ने अपना कार्यभार संभाला उसके दो दिनों के भीतर जो है स्पीकर के चुनाव संपन्न हुए आगे देखते हैं राहुल नार्वेकर ऑफ द बीजेपी वोन विथ 164 सिक्सटी फोर वोट्स इन हिज फेवर एंड ओनली वन जीरो सेवन अगेंस्ट तो कौन बने हैं स्पीकर महाराष्ट्र असेंबली के बीजेपी के राहुल नार्वेकर जो हैं वे स्पीकर चुने गए हैं 164 सिक्सटी वोट्स उनके फेवर में मिले हैं उन्हें और 107 वोट उनके अगेंस्ट रहे अ मार्जिन अब ये जो वोटों का जो अंतराल है ना मार्जिन का मतलब है अंतर दैट रिफ्लेक्ट्स ये क्या दर्शाता है द एक्सटेंट एक्सटेंट का मतलब होता है किस सीमा तक किस हद तक द एक्सटेंट ऑफ सपोर्ट दैट चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे एनजॉय यहाँ एनजॉय का मतलब है प्राप्त करना इन हाउस नाउ कुल मिला के ये जो वोट राहुल नार्वेकर को मिले हैं जिस अंतर से वो जीते हैं ये इस बात को दर्शाता है कि द एक्सटेंट ऑफ सपोर्ट कि किस हद तक चीफ मिनिस्टर एक नाथ शिंदे को असम्बली में सपोर्ट प्राप्त है वाट फैसिलिटेटेड फैसिलिटेट का मतलब होता है और ज़्यादा सुगम बना देना और ज़्यादा आसान बना देना मिस्टर नार्वेकर्स इलेक्शन कि मिस्टर नार्वेकर का जो चुनाव था ये और भी ज़्यादा सुविधाजनक हो गया भाई किस चीज़ ने इसे और भी ज़्यादा सुविधाजनक बना दिया वो इस कारण से वाज द चेंज ऑफ हर्ट चेंज ऑफ हर्ट का मतलब होता है हृदय परिवर्तन ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नर भगत सिंह कोशियारी महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोशियारी उनके हृदय परिवर्तन के चलते ये चुनाव और भी ज्यादा इजी हो गया who, अब यहां हु आया है मिस्टर भगत सिंह कोशियारी के लिए हु रिफ्यूजिंग टू फिक्स अ डेट फॉर द इलेक्शन जो कि लगातार स्पीकर के चुनाव के लिए डेट फिक्स करने में देरी कर रहे थे है ना या मना कर रहे थे रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना इन अ पार्टिसन मैनर एक पक्षपात पूर्ण तरीके से दैट हैज़ बिकम टिपिकल देखो किसी भी चीज़ के लिए जब हम बोलते हैं टिपिकल टिपिकल का मतलब है कि भाई ये लक्षण हमें जनरली नज़र आता है फॉर गवर्नर्स तो हम क्या देखते हैं कि वर्तमान में विभिन्न जो गवर्नर्स हैं उनमें एक जनरल लक्षण हमें देखने को मिलता है एक पक्षपात पूर्ण भूमिका उनके द्वारा निभाई जाती है मिस्टर कोशियारी हैज बीन साइटिंग साइट का मतलब होता है हवाला देना द पेंडेंसी पेंडेंसी का मतलब होता है लंबित जैसे हम कहें कि भाई पेंडिंग केसेस है ना तो लंबित मामले मिस्टर कोशियारी हैज बीन साइटिंग द पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमेबाजी लिटिगेशन रिलेटेड टू अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट्स का मतलब है संशोधन टू द असेंबली रूल्स ऑन द मोड मोड का मतलब है कि भाई किस तरीके से ये काम किया जाए है ना कौन सी प्रक्रिया को फॉलो किया जाए ऑन द मोड ऑफ इलेक्टिंग अ स्पीकर कुल मिला के को चुनने में ये जो देरी हो रही थी इसके लिए इस देरी के लिए किस बात को किस बात का हवाला दिया जा रहा था इस बात के इसके लिए इस बात का हवाला दिया जा रहा था मिस्टर कोशियारी लगातार क्या कह रहे थे कि भाई ये जो मुकदमेबाजी है ये पेंडिंग चल रही है रिलेटेड टू अमेंडमेंट्स टू द असेंबली रूल्स कि भाई महाराष्ट्र विधानसभा जो है उसके जो नियम हैं उनके संशोधन से जुड़े हुए कुछ मुकदमे हैं वो पेंडिंग चल रहे थे यानी कि इस बात पर एक कन्फ्यूज़न था कि भाई जो स्पीकर का चुनाव होता है उस चुनाव की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए इससे संबंधित कुछ मुकदमेबाजी चल रही थी कुछ संशोधन चल रहा था तो ये जो है बात मिस्टर कोश्यारी ने कही है ना कि भाई इसलिए चुनाव देर चुनाव में देरी हो रही थी टू अवॉइड फिक्सिंग अ डेट एज रिक्वायर्ड बाय रूल सिक्स तो महाराष्ट्र विधानसभा में जो रूल सिक्स है उसके तहत जो है वो बच रहे थे अवॉइड कर रहे थे इस बात को किस बात को कि स्पीकर के चुनाव की डेट फिक्स नहीं कर रहे थे इवन दो हालांकि यद्यपि द सुप्रीम कोर्ट इज़ येट टू डिस्पोज ऑफ़ देखो डिस किसी चीज़ को डिस्पोज ऑफ़ करने का मतलब होता है कि आपने उस मैटर से पूरी तरीके से डील कर लिया है डिस्पोज ऑफ़ करने का मतलब है कि वो मामला आपने पूरी तरीके से सेटल कर दिया है इवन दो द सुप्रीम कोर्ट इज यर टू डिस्पोज ऑफ़ एन अपील इन दिस मैटर तो महाराष्ट्र में इस्पीकर के चुनाव से संबंधित जो याचिका है उसे फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेटल किया जाना है द गवर्नर सीम्स टू हैव क्वाइटली विदड्रॉन हिज ऑब्जेक्शन लेकिन ऐसा प्रतीत होता है सीम्स का मतलब है प्रतीत होता है ऐसा लगता है ऐसा प्रतीत होता है कि गवर्नर ने क्या किया है टू हैव क्वाइटली विड्रॉन हिज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन का मतलब है कि भाई आपका किसी बात को लेकर विरोध है तो गवर्नर के स्पीकर के चुनाव के संबंध में जो विरोध थे उन्हें चुपचाप गवर्नर ने वापस ले लिया विड्रॉ यानी वापस ले लेना ऐसा लगता है एंड फ़िक्स्ड द डेट और गवर्नर ने क्या किया डेट को फिक्स कर दिया फ़ॉर द स्पीकर इस्पीकर के चुनाव की डेट को जो है फ़िक्स कर दिया सिग्निफिकेंटली अब यह बात भी काफ़ी महत्वपूर्ण है द इलेक्शन टुक प्लेस टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना बाय ओपन बैलट कि भाई बिल्कुल खुले में मतदान हुआ और इस तरीके से इस्पीकर का चुनाव हुआ एज इन्विसेज्ड इन्विसेज का मतलब होता है किसी चीज़ को इस्टैब्लिश करना किसी चीज़ को प्रतिष्ठापित करना बाय द चेंज्ड रूल्स यानी कि परिवर्तित रूल्स के अंतर्गत जिस बात को कहा गया है उसी बात के तहत ओपन मतदान हुए और इस तरह से स्पीकर का चुनाव हुआ द बीजेपी बीजेपी की अगर हम बात करें वाइल जबकि इन द अपोजिशन यानी कि एक नाथ शिंदे की सरकार से पहले बीजेपी जब विपक्ष में थी वाज रूटिंग फॉर रूट फॉर का मतलब होता है कि आप किसी बात के प्रति अपना सपोर्ट दिखाते हो है ना ज़बरदस्त सपोर्ट दिखाते हो फॉर अ सीक्रेट बैलेट इन दीकर इलेक्शन बी बीजेपी जब विपक्ष में थी महाराष्ट्र में तो बीजेपी स्पीकर के चुनाव के लिए सीक्रेट मतदान की बात कर रही थी अपारेंटली अपारेंटली का मतलब है कि भाई प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है यानी कि पहली नज़र में देखने में ऐसा लगता है ना ऐसा प्रतीत होता है Apparently इन द एक्सपेक्टेशन तो बीजेपी सीक्रेट बैलेट की क्यों मांग कर रही थी स्पीकर के चुनाव के लिए ऐसा लगता है इसलिए कर रही थी बीजेपी कि बीजेपी को ये उम्मीद थी है ना ये एक्सपेक्टेशन थी इवन मच बिफोर द शिंदेश कैंप्स रिवोल्ट इवन मच बिफोर यानी कि काफ़ी पहले द शिंदे कैंप्स रिवोल्ट कि एकनाथ शिंदे का जो खेमा है इसके विद्रोह करने से भी पहले बीजेपी स्पीकर के चुनाव के लिए सीक्रेट मतदान की बात कर रही थी क्योंकि बीजेपी को ऐसी एक्सपेक्टेशन थी बीजेपी को ऐसा लग रहा था दैट कि सम मेंबर्स ऑफ द महाविकास आघाड़ी कॉन्स्टिट्यूंट्स है ना का मतलब है घटक मतलब बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि महाविकास अगाड़ी जो संगठन है इसके कुछ मेंबर्स जो हैं विल वोट अगेंस्ट द रूलिंग अलायंस अलायंस का मतलब हो गया आपका गठबंधन रूलिंग का मतलब हो गया सत्तारूढ़ बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि कुछ जो मेंबर्स हैं एम वी ए के वो क्या करेंगे वो वर्तमान सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के खिलाफ जो है वोट देंगे है ना उनको ऐसा लग रहा था बीजेपी को ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर फॉर्मर का मतलब है पूर्व दूसरी ओर अगर हम बात करें कि जो पूर्व चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं फेवर्ड उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया एन ओपन बैलेट उन्होंने क्या कहा है uh, मिस्टर उद्धव ठाकरे ने कि भई मुक्त मतदान हो ओपन बैलेट हो एज अ पॉसिबल डिटरेंट देखो डिटरेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आपको निवारक कोई भी ऐसी बात जो आपको कुछ करने से रोकती है उसको हम कहेंगे डिटरेंट अगेंस्ट क्रॉस वोटिंग देखो जैसे मैं कहूँ कि भाई आपको जैसे हम कहें कि दल बदल कानून जो है वह डिटरेंट का काम करता है यानी कि दल बदल कानून के डर के कारण कई जो नेता होते हैं वे आसानी से अपना दल नहीं चेंज कर पाते हैं ना तो कुल मिला के मिस्टर ठाकरे जो हैं उन्होंने इस बात को फेवर किया था कि भाई ओपन बैलेट होना चाहिए ये ओपन बैलेट होगा तो क्या होगा इससे कि भाई क्रॉस वोटिंग पर लगाम लगेगी क्रॉस वोटिंग का मतलब है आपने अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को वोट दे दिया इट इज़ वर्थ नोटिंग ये बात नोट करने लायक है ना वर्थ का मतलब है ये डिज़र्व करती है कि ये बात नोट करने लायक है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इन कि हमारा संविधान जो है इस बात को प्रतिष्ठापित करता है कि नो रोल फॉर द गवर्नर इन दीकरस इलेक्शन संविधान में हमारा संविधान जो है वो इस बात को प्रतिष्ठापित करता है कि स्पीकर के चुनाव में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है विच इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द हाउस अब यहाँ पर ये विच आया है स्पीकर के इलेक्शन के लिए यानी कि स्पीकर का जो चुनाव होता है वो चुनाव सदन का विशेष अधिकार है यानी कि विधानसभा है या जो विधानमंडल है उसका प्रेरोगेटिव का मतलब है विशेष अधिकार स्पीकर का चुनाव विधानसभा या विधानमंडल का विशेष अधिकार है इट इज़ ऑनली एज अ कर्टसी देखो कर्टसी का मतलब होता है एक तरीके का पोलाइट व्यवहार एक तरीके का विनम्र व्यवहार तो कुल मिला बस एक कर्टसी की बात है एक विनम्र व्यवहार की बात है to the fact that governor is a part of the legislature. देखो जो legislature होती है यहाँ legislature से मतलब है विधानसभा या विधान मंडल तो legislature का हिस्सा होता है governor. तो सिर्फ एक विनम्रता के चलते that the assembly rules से कि जो assembly के rules हैं वो ये कहते हैं that the governor shall fix the date for the speaker's election. कि governor जो है इस्पीकर के इलेक्शन के लिए डेट फिक्स करेगा देखो कुल मिला के ऐसा कोई ख़ास रोल है नहीं गवर्नर का इस्पीकर के चुनाव में लेकिन एक कर्टसी के चलते है ना कि भाई एक आ, रेस्पेक्ट के चलते इस बात का प्रावधान जो है जनरली माना गया है कि भाई राज्यपाल जो है वो लेजिस्लेचर का हिस्सा है तो भाई ठीक है राज्यपाल से कहा कही है ये बात कि भाई ठीक है स्पीकर के चुनाव की डेट जो है वो राज्यपाल के द्वारा फ़िक्स की जाएगी इट ऑब्वियसली मीन्स इसका स्वाभाविक जो मतलब है वो ये है दैट द गवर्नर शेल डू ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट शैल डू सो कि गवर्नर जो है वो ऐसा करेगा यानी कि गवर्नर जो है स्पीकर के चुनाव की डेट फिक्स करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्री मंडल की सलाह के अनुसार यानी कि मुख्यमंत्री और उनका जो मंत्रिमंडल है उसकी सलाह के अनुसार स्पीकर के चुनाव की डेट राज्यपाल के द्वारा फिक्स की जाएगी बट इनकम्बैन्ट्स इन in राजभवन राजभवन से मतलब है राज्यपाल का निवास इनकम्बेंट का मतलब है जो सत्तारूढ़ है है ना बट इन कम्बेंट्स इन राजभवन लेकिन ऐसे राज्यपाल जो कि वर्तमान में सत्ता में है है ना यानी कि इन इन राजभवन का मतलब हुआ राजभवन का मतलब हुआ राज्यपाल का निवास तो वर्तमान में जो भी राजभवन में है यानी कि वर्तमान में जो भी राज्यपाल हैं जो भी सत्तारूढ़ राज्यपाल हैं एंटरटेन यहाँ एंटरटेन से मतलब है कि भाई किसी बात पर विचार करना थिंक अबाउट है ना एंटरटेन आप परवर्स का मतलब है विकृत जो नॉर्मल ना हो नौशन का मतलब होता है एक तरीके की धारणा कि भाई आपका क्या विचार है इस संबंध में परवर्स नौशन दीज डेज लेकिन वर्तमान में राजभवन में जो भी राज्यपाल ऑफिस में हैं वे इस विकृत धारणा को जो है मानते हैं दीज डेज दैट दे एक्सरसाइज पावर कि वे अपनी पावर का प्रयोग करते हैं एक्सरसाइज पावर का मतलब है पावर का प्रयोग करना एट देयर विम विम का मतलब होता है सनक यानि कि वे अपनी सनक के हिसाब से अपनी पावर का प्रयोग करते हैं यानी कि अपनी मनमर्जी के हिसाब से अपनी पावर का प्रयोग करते हैं इफ एनी गवर्नर बिलीव्ड दैट ही हैड एनी से देखो टू हैव अ से टू हैव अ से इन समथिंग इसका मतलब है कि भाई आप किसी मैटर में अपनी बात जो है रखना चाहते हो ये होता है हैव अस है का मतलब है कि आप जो है कुछ कहना चाहते हो इस संबंध में कि यदि किसी गवर्नर को ऐसा लगता है कि वह कुछ कहना चाहता है इन द मैटर किस मामले में ऑफ फिक्सिंग अ डेट फॉर द इलेक्शन यानी कि स्पीकर के चुनाव के संबंध में डेट फिक्स करने का जो मैटर है उसमें अगर गवर्नर को लगता है कि भाई वो कुछ कहना चाहता है इट इज़ बोथ कॉन्ट्ररी कॉन्ट्ररी का मतलब होता है विरोध में होना विरोधाभासी होना टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम तो अगर गवर्नर को ऐसा लगता है ना कि वो स्पीकर के चुनाव के संबंध में कुछ कहना चाहता है तो ये बात हमारी जो संवैधानिक हमारे जो संवैधानिक नियम हैं उनके भी विरोध में है एंड अ साइन और ये एक संकेत है ऑफ प्लेइंग पॉलिटिकली पार्टीसन रोल प्ले का मतलब है अदा करना है ना प्ले रोल का मतलब है भूमिका अदा करना है ना कि भाई ये एक संकेत है क्या कि गवर्नर जो है एक राजनीतिक रूप से पक्षपात पूर्ण भूमिका जो है अदा करना चाहता है तो ये दोनों है कुल मिला अगर किसी गवर्नर को ऐसा विश्वास है या उसे ऐसा लगता है कि भाई वो स्पीकर के चुनाव की डेट को फ़िक्स करने में कुछ कहना चाहता है तो कुल मिला ये दोनों तरीके से गलत है कि भाई जो हमारे संवैधानिक नियम जो हैं उसके भी ये बात विरोध में जाती है और दूसरी बात ये एक संकेत है उससे हमें ये दिखाई देता है कि गवर्नर जो है वह राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम तो ये जो पूरी की पूरी प्रॉब्लम है इसका एक पार्ट तो ये है वाज दैट द अमेंडेड रूल कि जो संशोधित नियम था सैड उसमें इस बात को कहा गया द गवर्नर शेल फिक्स अ डेट कि राज्यपाल जो है वो एक डेट को फिक्स करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ़ मिनिस्टर यानी कि स्पीकर के चुनाव से संबंधित जो संशोधित नियम हैं उसमें इस बात को कहा गया कि गवर्नर जो है डेट फिक्स करेगा किसकी सलाह पर किसकी सिफ़ारिश पर चीफ़ मिनिस्टर की सिफ़ारिश पर रेजिंग अ डाउट रेज का मतलब है उठाना तो ये जो बात है कि भाई गवर्नर चीफ मिनिस्टर की सिफारिश पर स्पीकर के चुनाव की डेट फिक्स करेगा तो इस इसने एक डाउट को उठाया वेदर कि क्या इट वाज एन इंडिविजुअल पीस ऑफ एडवाइस कि क्या ये एक व्यक्तिगत सलाह थी द बॉम्बे हाईकोर्ट हाव एवर नोटेड हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बात को नोट किया है दैट कि देर इज़ नथिंग टू सजेस्ट दैट द सी एम्स ओपिनियन डिड हैव द सपोर्ट ऑफ हिज कैबिनेट कि भाई देर इज़ नथिंग टू सजेस्ट भाई बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बात को देखा है देखो कुल मिला के क्या हुआ कि भाई ये जो नए रूल हैं उसमें क्या कहा गया कि भाई जो चीफ मिनिस्टर की सिफारिश है उसके आधार पर राज्यपाल जो है डेट फिक्स करेगा लेकिन बात ये आई कि भाई राज्यपाल को जो सिफारिश दी गई तो क्या ये ऐसा तो नहीं है कि चीफ मिनिस्टर की व्यक्तिगत सलाह थी बॉम्बे हाई कोर्ट के पास जब ये मामला आया तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बात को नोट किया कि भाई कोई भी बात ऐसी नहीं है जो ये सजेस्ट करती हो कि मुख्यमंत्री का जो ओपिनियन है मुख्यमंत्री का जो विचार है उस विचार में कैबिनेट का सपोर्ट यानी कि मुख्यमंत्री के विचार को कैबिनेट का सपोर्ट प्राप्त नहीं है यह कहीं से भी हमें दिखाई नहीं देता यहां कैबिनेट से मतलब है कि मुख्यमंत्री का जो मंत्रिमंडल है that any constitutional provision has been और दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हैज़ बीन अवॉयलेटेड और बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बात को भी देखा कि भाई ये बात भी कहीं दिखाई नहीं देती कि जो संवैधानिक प्रावधान है उसका उल्लंघन किया गया है एज जैसा कि हम क्या देखते हैं द ईस्ट वाइल ईस्ट वाइल का मतलब है पूर्व डिसीडेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो असहमति रखता है या से का मतलब है जो बागी लोग हैं ना फ्रॉम द शिवसेना यानी कि शिवसेना के जो बागी विधायक हैं ना अब ये अब तो शिवसेना के नहीं पूर्व तो पूर्व जो आप कह सकते हो कि ये जो डिसिडेंट्स हैं शिवसेना के हैव इमर्ज इमर्ज का मतलब होता है उभर के सामने आना यानी कि पूर्व शिवसेना के जो विधायक हैं वे इस रूप में सामने आए हैं हैव इमर्ज द प्रजेंट डे रूलर्स यानी कि पूर्व में ये जो शिवसेना के मेंबर्स थे ये आज वर्तमान में रूलर्स हैं शासक हैं एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड और इन्होंने प्रदर्शित किया क्या देयर मेजोरिटी इन असेंबली और इन्होंने अपने बहुमत को साबित किया है असेंबली में महाराष्ट्र असेंबली में दीज कंट्रोवर्सीज में मीन लिटिल तो अब ये स्पीकर के चुनाव संबंधित जो विवाद हैं इनका मतलब बिल्कुल न के बराबर है बहुत ही छोटा है इनका मतलब कि भाई जब इतनी बड़ी बात हो चुकी है ठीक है कि भाई ये जो पूर्व में शिवसेना में जो व्यक्ति थे ये डिसिडेंट्स हो गए इसके बाद में ये जो है बीजेपी के साथ जुड़ गए और अब ये वर्तमान में शासक हैं तो कुल मिला इन्होंने जो है असेंबली में अपने बहुमत को जो है प्रदर्शित किया अब इसके बाद में इस तरह की स्पीकर के चुनाव से संबंधित जो वाद विवाद या फिर जो कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिल रही है, तो इनका मतलब बहुत ही नगण्य है हाउ एवर हालांकि इट अगेन शोज लेकिन ये एक बार फिर इस चीज़ को दिखाता है दैट कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज कि जो संवैधानिक पद पर काम करने वाले लोग हैं है ना कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर हैं जैसे कि राज्यपाल नेवर राइज़ above द political थिकेट राइज above का मतलब होता है ऊपर उठना पॉलिटिकल थिकेट कि फिर भी इस पूरे घटनाक्रम से हमें ये देखने को मिलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं ये राजनीतिक थिकेट से ऊपर नहीं उठ पाते यानी कि ये भी कुल मिला के राजनीति में इन्वॉल्व रहते ही रहते हैं और किस पार्टी को सपोर्ट करना है और किसे नहीं करना है और किस तरह से जो है पार्टी के अनुसार जो है अपनी बात को रखना है तो ये ऐसा चलता ही रहता है ये हमें देखने को मिलता है कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भाई राज्यपाल जो है उसका रोल पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी राजनीति के चलते हमें कई बार उसका रोल पक्षपातपूर्ण देखने को मिल रहा है